RSCIT एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है? तो यह करेक्टर प्रिंटर होता है, इसमें करेक्टर्स को छापा जाता है। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी USB पेन ड्राइव। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम और रोम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में केस मेमोरी के ही समान होता है? केस मेमोरी के समान होती है फ्लैश मेमोरी। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर कुछ साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट सर्च इंजन याहू होता है। याहू, बींग और गूगल, ये तीनों सर्च इंजन होते हैं। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य होता है? ईमेल भेजने के लिए हमें अगले का जिसको सेंड करनी है उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, तो प्रेषक का मेल आईडी हमें इम्पोर्टेंट होती है। MS Word 2010 में किस टैब में हेडर व फुटर उपलब्ध होते हैं? तो वो होते हैं इंसर्ट टैब में। लिंक्स भी इसी में टैब में उपलब्ध होते हैं। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ड्रॉपबॉक्स, वे टू SMS, पेटीएम, monster.india। इसका आंसर होगा पेटीएम। इमित्रा एक ग्रांट, इमित्रा का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से आशय है एक आवेदन जो स्कैन किए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दर्शाता है? दिया गया कमेंट हमें कमेंट ही दिखाता है। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? सेटिंग ऐप के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल की सहायता से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल व सेटिंग ऐप दोनों के द्वारा कर सकते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल में @ चिन्ह होता है, उनमें कभी खाली स्थान नहीं होता। ईमेल एड्रेस जो भी होता है उसमें बिल्कुल भी स्थान नहीं छोड़ा जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों। इसके बाद है दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेवेज में अंतर है। कोई भी अंतर नहीं है, सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से की हुई स्थान में संग्रहित है, सही है। सेवेज में हमें फाइल का नाम व लोकेशन बदलने की अनुमति होती है, ऑप्शन डी। सेवेज तो क्या करता है, पहले से सेव की हुई फाइल का नाम व स्थान चेंज करने में सहायता करता है, तो दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों जाएगा इसका आंसर। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है? नया स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल के साथ M, नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए कंट्रोल के साथ N, तो इस प्रश्न का आंसर होगा अपने पास कंट्रोल के साथ M। संक्षिप्त रूप में GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा होता है CUI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। CUI होता है दूसरा, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जिसके उदाहरण होते हैं MS-DOS और लिनक्स। इंटरनेट एक्सप्लोर है, वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, चैट रूम। तो इंटरनेट एक्सप्लोर होता है वेब ब्राउजर, जिसका विंडो 10 में नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? स्पीकर इनपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ALU आपका आंसर है, ये दोनों ही नहीं है। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं। साटा का विस्तारित रूप सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा का फुल फॉर्म है। कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को काटने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? तो कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को काटने के लिए बैक स्पेस व दाईं ओर के अक्षरों को काटने के लिए डिलीट बटन, राइट साइड के अक्षरों को काटने के लिए डिलीट और लेफ्ट को काटने के लिए बैक स्पेस। MS Excel प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई व पंक्ति की लंबाई हमेशा पिक्सल्स में मापी जाती है।
जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर किस रूप में बदल जाता है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही हमारा माउस पॉइंटर पेंट ब्रश के समान हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहे गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है? DNS के द्वारा आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका MS Excel से संबंधित होती है। ग्राफिकल टेबलेट में किसका उपयोग किया जाता है? पेन का उपयोग किया जाता है। किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया एक छोटा सा नोट फुटनोट कहलाता है, और डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में अगर उसका विवरण लिखा जाता है तो उसे एंड नोट कहते हैं। गूगल ड्राइव में हम कितने GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं? गूगल ड्राइव में 15 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क कनेक्शन हब व स्विच दोनों में होता है, तो आंसर हो जाएगा D। फुल फॉर्म ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन B। मोबाइल ऑपरेटिंग का एक उदाहरण है एंड्रॉयड M60, लिनक्स विंडो 10 तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, और एंड्रॉयड 6 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मिटाई जा सकती है। URL किस बार में शो होता है? URL एड्रेस बार में शो होता है। URL में हम एड्रेस टाइप करते हैं, जिस वेबसाइट पे जाना होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है URL के द्वारा। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हाइपरलिंक को लगाने के लिए कंट्रोल के साथ K का उपयोग किया जाता है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है होम पेज। MS Word में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किया जाता है पेज ब्रेक करने के लिए। देखो, पेज ब्रेक के लिए एंट्री भी दबा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में हमारे पास प्रश्न होता कि MS Word में एंटर के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, तो उससे भी पेज ब्रेक कर सकते हैं या नया पेज ले सकते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो विंडो मीडिया प्लेयर ऑडियो वीडियो फाइलों को सुनने के लिए काम में ली जाती है। विंडो 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रणाली है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम ऐसी प्रकार की मेमोरी होती है। MP3 ऑडियो कार्य संबंधित कार्य किया जाता है, MP3 सॉन्ग्स होते हैं ऑडियो 3। QWERTY पाया जाता है, QWERTY, ये क्या है? ये लैंग्वेज है जो हमारे पास कीबोर्ड में लिखी हुई आती है, तो ये क्या हो गया? कीबोर्ड लेआउट में। MS PowerPoint में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए क्या दबाया जाता है? तो F5। स्लाइड शो को बिगेनिंग शुरुआत से देखने के लिए F5 वे करंट स्लाइड से देखने के लिए शिफ्ट के साथ F5 का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बींग, याहू, ये तीनों सर्च इंजन होते हैं। तीन ही सर्च इंजन होते हैं, गूगल, बींग और याहू। अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, ये सर्च इंजन नहीं है, डी एक वेबसाइट है। रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की F5 होती है। MS Paint में किसी भी तस्वीर को फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता। MS Paint का एक्सटेंशन नेम नहीं होता, PNG होता है, JPG होता है, BMP होता है, तो अपने आंसर हो जाएगा D, ऑप्शन D, AVL। कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ी इकाई है? बाइट सबसे छोटी इकाई, बाइट से बड़ी KB, MB और GB। GB सबसे बड़ी इकाई है इसमें। MS Excel में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 दबाया जाता है। MS PowerPoint 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, जहां हमें वर्ड आर्ट शो होता है, W वाला ऑप्शन आता है जो इंसर्ट टैब में मिलता है, तो वर्ड आर्ट के द्वारा हम डेकोरेटिव टेक्स्ट कर सकते हैं।
कैलिब्री क्या है? कैलिब्री एक फॉन्ट है, फॉन्ट का आकार नहीं, फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट अलाइनमेंट नहीं, उपयोग में से कोई नहीं। कैलिब्री एक फॉन्ट्स होता है, फॉन्ट या फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट या फॉन्ट फैमिली। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को ग्रिड लाइन कहा जाता, ग्रिड लाइन कहा जाता है, ग्रिड लाइन। कंट्रोल पैनल में कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं? कंट्रोल पैनल के द्वारा हम कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को कवर कर सकते हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, प्रोग्राम, ऑल ऑफ दीज। एक नेटवर्क गेटवे होता है, एक इंटरनेटवर्किंग सिस्टम ही होता है नेटवर्क गेटवे। एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं? एक्सेल में कॉलम के हेडर पर क्लिक करके कर सकते हैं, कॉलम में क्लिक करके, ये भी सही है। कॉलम कमांड पर क्लिक करके, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? तो ईमेल फोल्डर में सेंट मेल आता है, ट्रेस भी आता है, स्पेम भी आता है, और ये नहीं आता आपका। तो अपना आंसर हो जाएगा सही, रिसीव मेल्स। देखो ट्रेस जो डिलीट कर देते हैं फाइल, उनको दिखाया जाता है ट्रेस में। स्पेम जो अनचाहे मैसेज होते हैं वो स्पेम में आते हैं। सेंट मेल जो अपने द्वारा मैसेज भेजे जा चुके हैं उन्हें सेंट मेल में दिखाया जाता है। स्पेम, अनचाहे मैसेज, ट्रेस जो डिलीट किए हुए मैसेज हैं उन्हें ट्रेस में रखा जाता है। स्पेम का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अनचाहे मैसेज को क्या कहा जाता है, स्पेम। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो कंट्रोल यूनिट से होता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रमता, बुद्धि का अभाव। अपना आंसर हो जाएगा बुद्धि का अभाव। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के प्रोसेसर का प्रकार नहीं है? ड्यूल कोर होता है, एंड्रॉयड होता है, सेलेब्रोन नहीं होता। ऑप्शन डी भी सही है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलेब्रोन। सेलेरोन कंप्यूटर प्रोसेसर का प्रकार नहीं होता, तो आंसर सी सही है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1 MB 1024 गीगाबाइट 1 MB के बराबर होता है, और 1024 बाइट्स 1 KB के बराबर होता है। और ये 1024 MB 1 GB के बराबर होता है, और ये गीगाबाइट है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा अपना 1 TB 1 TB के बराबर होता है 1024 GB। निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? ब्राउजर क्रोम, ब्राउजर फायरफॉक्स, गूगल प्लस, सफारी। तो इसका आंसर होगा गूगल प्लस। इंटरनेट के पते में HTTPS का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर बी सही है। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर किसको प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है? डाटा की इंफॉर्मेशन को। वह मेमोरी जिसमें रखा गया डाटा बीच लेके जाते ही चला जाता है, तो वो थी आपकी अस्थाई मेमोरी, रैम। निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता? पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, लीजेंड चार्ट नहीं होता। एमएस एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू या व्यू में एक नई टेबल बना सकता है, या तो डिजाइन में सही, या तो डिजाइन व्यू में अथवा डाटा शीट व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। आंसर ए सही है। DBMS ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। ACID का मतलब क्या होता है? ACID का मतलब होता है ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन बी। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन निम्न में से किस टैब में उपलब्ध होता है? पेज ओरिएंटेशन पेज लेआउट टैब में आता है। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में लंबाई ज़्यादा होती है, लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होती है। लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा व लंबाई कम होती है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, एंटर का। एक्सेल 2003-7-10 का फाइल का एक्सटेंशन नेम SLSX। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अब देखो एक्सटेंशन नेम है कुछ .txt, नोटपेड का एक्सटेंशन नेम होता है, .doc, MS Word का एक्सटेंशन नेम होता है,
.pptx.ms PowerPoint का एक्सटेंशन नेम होता है, SLSX.ms Excel का एक्सटेंशन नेम होता है, .rtf, RTF की फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, JPG, बिटमैप या BMP, PNG, ये सब पेंटिंग के एक्सटेंशन नेम होते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बाय डिफॉल्ट नेम, कि आगे से MS वर्ड का क्या नाम आता है, तो MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, एक्सेल का वर्कशीट फर्स्ट होती है, इसके अलावा पावर पॉइंट का नाम प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है, पावर पॉइंट में जो अपन पेज लेते हैं उन्हें स्लाइड कहा जाता है, यानी पावर पॉइंट में जो भी अपन इंसर्ट करते हैं उन्हें स्लाइड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।